हाय गाइस, सो आज हम लोग हैं शिमला के मॉल रोड में। ये मॉल रोड या माल रोड जो लोकल बोल रहे हैं, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ शिमला। आप आएंगे, शिमला आएंगे तो यहाँ तो आना ही होगा, डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा। सो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मॉल रोड में और आसपास में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये मंकीज है यहाँ पे, जो ऐसे आपके खाना छीन के भागते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ऐसे फूड आइटम अपने हाथ में ना रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मंकी का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे व्हीकल्स इसे अलाउड नहीं है, ओनली इमरजेंसी में व्हीकल्स चलता है। जैसे हमने देखा यहाँ, वो एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए तो ही वो व्हीकल यहाँ पे मॉल रोड पे चलता है। अदरवाइज ओनली लोकल, मतलब लोग ही चलते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि इतना पतला रास्ता है और इसमें गाड़ी और लोग दोनों चलेंगे तो कुचला कुचली हो जाएगा इधर पे। मॉल रोड का और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शिमला का जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है और कुछ जो बैंक्स है, ये सारे यहाँ पे मॉल रोड पे ही है। तो लोकल्स तो यहाँ पे भरे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द लोकल्स यहीं पे ही आते हैं। तो आपको अगर टूरिस्ट नहीं है तो तब भी भीड़ दिखेगा, एंड वो भीड़ देख के आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट बी टूरिस्ट एज वेल, क्योंकि लोकल लोग ही यहाँ पे आते हैं, उनका सामान हो, घर का सामान हो या फिर ऑफिस शॉपिंग करने, सबके लिए यहीं पे आना पड़ेगा। वेरी पहले 2-3 दिन में हम लोग को बहुत ये क्यूरियस लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिटी, एक कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट और हर कुछ चीज एक ही जगह पे है। तो अभी मॉल रोड में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज है। ये फर्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज और स्कैंडल पॉइंट का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। स्कैंडल पॉइंट से लेफ्ट वाला रास्ता जाता है रिच और क्राइस्ट चर्च को, और ये राइट वाला रास्ता अपर बाजार, टाउन हॉल, गेटी थिएटर, ये सब को जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टाउन हॉल की ओर। और 2014 में एक मेगा रेनोवेशन प्रोजेक्ट में, जिसमें 8 crore सस्पेंड हुआ, इसको अच्छे से रेनोवेट किया है, बट सैडली अभी कोविड के लिए ये बंद है और लोग बस सामने से ही फोटो खिंचा रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ शिमला, और आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी ये बिल्डिंग देखा होगा, 3 Idiots, डार्क, ये सब मूवीज़ में ये बिल्डिंग दिखाया गया है। बट ओवरऑल इसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज लाइक शिमला में जितने सारे बिल्डिंग्स या फिर जितने भी हमने देखे, ये दिस आई लाइक इट द मोस्ट, और इसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये जस्ट टाउन हॉल के बाजू में ही है पुलिस असिस्टेंस रूम, और उसके बाद है गेटी थिएटर। सो गेटी थिएटर एशिया का ओनली गॉथिक स्टाइल थिएटर है, ये 1887 में बना था। ये पुलिस असिस्टेंस जो रूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे मास्क ना खोलिए गाइस, हम लोग डेली आते हैं यहाँ पे और 10 दिन से हम लोग यही देख रहे हैं कि हर दिन 5 से 10 लोगों को फाइन यहाँ पे ही लगता है। वो लोग हर टाइम पे वो लोग आंख रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये देखो स्पीकर है बड़ा सा, तो हर टाइम पे वहाँ पे एक म्यूजिक, अलग ही म्यूजिक। रोजा थोड़ा गाना गा के सुनाओ, चला जाएगा कोरोना, नहीं आएगा कोरोना, एक गाना ही बना दिया है एकदम, वो सुन के आपको एकदम क्या ही बोलूँ मैं, कोरोना ही भाग जाएगा उसको सुन के। ये है आपका गेटी थिएटर। सो ये जब ओरिजिनली बना था, इट वॉज ए 5-story बिल्डिंग 1887 में, फिर 20 साल बाद इसको मतलब ऑब्जर्वेशन में आया कि ये स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है, तो इसको पार्शियली डेमोलिश करके अभी ये
जो इसका स्ट्रक्चर है इतना ही रखा गया है। ये इसके अंदर भी एक्चुअली टूरिस्ट और नॉर्मल लोग अलाउड है, बट अभी कोविड के लिए बंद ही है। इस ये थिएटर भी आपने बहुत सारे मूवीज और गाने में देखा होगा। अभी जो अरिजीत सिंह का पछताओगे वाला गाना आया था, ये इस यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हुआ था। और ये थिएटर का कैपेसिटी है 300 लोग। आई रियली वांटेड टू गो देयर, बट हम लोग डेली आते थे और चेक करते थे, और हर दिन वही डिसअपॉइंट होकर घर जाते थे कि ये खुला ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फॉर टूरिस्ट, यहाँ पे लिखा तो है बट नहीं। हम जो पहले दिन आए थे इट वॉज मंडे, तो हमको लगा आज मंडे है क्लोज्ड है, कल आते हैं, बट सैडली वो कभी खुला ही नहीं। बट आई वुड रेकमेंड, अगर आप जब आ रहे हैं शिमला में ये खुला है तो प्लीज़ गो देयर, ये हमारे हेरिटेज और कल्चर का एक पार्ट है, तो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। ऐसा अंदर ऐसा दिखता ना, हाँ 300 सीटिंग कैपेसिटी है, बहुत ही सही दिख रहा है, अंदर जाते तो अच्छा लगता है। ये वो ऑस्ट्रिया वाला वैसा दिख रहा है, ऑस्ट्रिया के जो नॉर्मल थिएटर जैसे थिएटर होते हैं ना, आर्किटेक्ट्स के द्वारा बनाया गया है ना, तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज में थिएटर है वैसे ही है, जस्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और रिनोवेशन नहीं होता, दैट इज़ द डिफरेंस। हम लोग भी केटी थिएटर से अभी चल के आए, ये वाला है अपर बाज़ार, वहाँ से लोग जो नीचे जा रहे हैं वो मिडिल बाज़ार को जा रहे हैं, और उससे भी नीचे है लोअर बाज़ार, और ये हम लोग थोड़ा बीच के एरिया में खड़े हैं, और यहाँ से चढ़ के ऊपर जाएंगे हम लोग रिज की तरफ। चलो बाज़ार, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये देखो जाखू टेम्पल, और ये हनुमान जी का बूढ़ा बड़ा सा मूर्ति, इंडिया का बिगेस्ट है ना, हाँ नहीं 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 इंडिया का सेकंड बिगेस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद हनुमान जी, अरे हनुमान जी को बड़ा बना देते। सो गाइस, जाखू टेम्पल के ऊपर हमने दूसरा एक वीडियो बनाया है, हाँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। कितना ऊपर है देखो, जा सकते थे क्या तुम? सो गाइस, हम लोग आ गए हैं द रिज पे। ये एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है जो आपका मॉल रोड और बाकी बाजार है और वो स्कैंडल पॉइंट, इस सबको कनेक्ट करता है, और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिच हिस्ट्री है। दिस इज़ ए वाटर रिजर्वर, इसके नीचे आपको रोजा तुमको पता है वाटर रिजर्वर है, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बना था, तब ब्रिटिशर्स जब ये टूरिस्ट टाउन था उनका, तो यहाँ से नीचे ये वाटर सप्लाई होता था पूरा। ये अभी भी इसके नीचे बड़े बड़े से वाटर रिजर्वर है जितना मैंने पढ़ा, और यहाँ पे रोजा तुमको पता है कितना वाटर यहाँ पे कंटेन होता है? पूरा शिमला को सप्लाई होने लायक होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 मिलियन गैलन का वाटर यहाँ पे रिजर्व हो सकता है, और यहाँ से पूरा शिमला टाउन को पानी सप्लाई हो सकता है और होता भी होगा। तो कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे रह सकता है, तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ओपन स्पेस, और इतना बड़ा क्यों बनाया है इसको, तो जान के इंटरेस्टिंग लगा। तो अभी ये सब के अलावा, हाँ, यहाँ से व्यू तो एक्सेप्शनल है ही, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट हिमालय का और स्नो कवर्ड माउंटेन का व्यू दिख जाएगा, स्पेशली हाँ स्पेशली अगर आप सुबह सुबह आ रहे हैं तो आपको ये क्लियर व्यू यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की एक मूर्ति है, ये थे हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर, तो इनको यहाँ पे क्या लिखा है, हिमाचल का निर्माता फाउंडर ऑफ हिमाचल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उनका स्टैचू है, और इस साइड में है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर थे उनका स्टैचू है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली इनका बर्थडे है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर 2020 को ही, इस साल को ही इनका ये मूर्ति इनॉग्रेट किया, जो हमने देखा उस दिन, बहुत ही अच्छा लगा। ही इज़ ए लीडर और आई रियली एडमायर हिम, तो उनका मूर्ति हमारे सामने इनॉग्रेट होते देख के बहुत ही प्राउड फील हुआ। और ये है हमारा मॉल रोड का लास्ट स्टॉप,
क्राइस्ट चर्च, ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया एक न्यू गॉथिक चर्च है। ये 1844 में बना था और ये भी सैडली कोविड के लिए बंद है। उन्हें 25 दिसंबर को खुला था पर इतना भीड़ था कि हम लोग जाने का सोचे नहीं अंदर। बट ओवरऑल अगर प्लेस यहाँ पे अब आएंगे तो आपको जो व्यू और रिश्ता व्यू वो सब आपको ओवरऑल दिख जाएगा। तो दिस वाज वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट हैंगआउट स्पॉट। हम लोग जो शिमला में इतने दिन भी रुके थे। Subscribe to our channel. Thank you. Bye-bye.